जनपद में शनिवार को जिला अस्पताल सहित 25 केंद्रों पर 6,364 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 4,866 और सेकेंड डोज लेने वालों में 1,498 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि शनिवार को 2 महिला तथा 2 अभिभावक स्पेशल केंद्र पर वैक्सीनेशन किया गया है। इसके अलावा जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, एम्स और सीएचसी व पीएचसी सहित 25 केंद्रों पर कुल मिलाकर 6,364 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है। सीएमओ ने कहा कि जिले में लक्ष्य के सापेक्ष वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वैक्सीन अवश्य लगवाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे जिले में 25 जगह पर वैक्सीनेशन चल रहा है। इसमें 2 महिला स्पेशल बूथ चल रहा है, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहा है और हमारे विभिन्न सीएससी पीएससी पर वैक्सीनेशन सेंटर भी चल रहा है। आज का लक्ष्य हमारा 10,000 के ऊपर का है और लोगों की काफ़ी जागरूकता है, भीड़ लगी हुई है। हम 10,000 के ऊपर आज का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। सर, जनता से क्या? जनता से अपील है कि कोरोना भी गया नहीं, सभी लोग कोरोना नियमों का पालन करें, भीड़ भाड़ में बिल्कुल ना जाए, बाहर जाए तो मास्क जरूर लगाएं और वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन में जब भी आपकी बारी आती है तो आप वैक्सीनेशन कराइए। वैक्सीनेशन ही और कोविड नियमों का पालन ही इस महामारी को दूर भगाने का सही उपाय है।